दोस्तों नमस्ते। जैसे कि हम लोग फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग के प्रोसेस में शुरू हो चुके हैं सितंबर के महीने में, 30 सितंबर तक जिन जिनकी कुंडली आई है उन लोगों की रीडिंग प्रोवाइड की जा रही है, जिन जिनका सिलेक्शन हो रहा है उन लोगों की रीडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी दूसरी कुंडली ये रीड कर रहा हूँ मैं, इस कुंडली में भी हम लोग, ये रिपीट कुंडली है, ये भी कई बार आ चुकी है तो ये भी रिपीट कुंडली है, रिपीट कुंडली को रीड करने वाला हूँ मैं। तो रिक्वेस्ट आई है, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग फ्री पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। और अगर आप भी फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करवाना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए कि मैं सिलेक्टेड कुंडली रीडिंग प्रोवाइड करता हूँ, सिलेक्टेड कुंडली रीडिंग प्रोवाइड करता हूँ। 15 अक्टूबर का नेक्स्ट राउंड है। अगर आप भी अपनी कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अपना मेरे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है व्हाट्सएप ही करिए, उस नंबर पे, उस पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, नाम, जेंडर और अपने दो सवाल पसंद के, क्योंकि मैं दो सवालों के ही जवाब देता हूँ फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग पे, प्रोवाइड कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट होती है तो मैं आपकी भी रीडिंग प्रोवाइड कर दूंगा, 15 अक्टूबर के बाद आपकी भी रीडिंग हो जाएगी। और जो लोगों की रीडिंग अभी सितंबर के महीने वाले में नहीं हो पाएगी वो रिपीट लिख के भेज दीजिएगा, लेकिन अभी रीडिंग चल रही है तब थोड़ा वेट कर लीजिए, आखिरी वीडियो जब बनेगी तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बहरहाल रीडिंग कर लेते हैं। मिलन जी की कुंडली है ये अभी 34+ ईयर्स के हैं मिलन जी। मिलन जी के दो सवाल हैं सर, क्या नीलम पहनना चाहिए या और मनी पैसे कमाने के लिए बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मिलन जी, शनि आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है, तीसरे घर का शनि अच्छा ज़रूर होता है लेकिन तीसरा घर अच्छा नहीं माना जाता है, ये स्ट्रगल का हाउस होता है, छोटी मोटी एक्सीडेंट का हाउस होता है, इसलिए नीलम अगर आप यहाँ पहनेंगे तो मैं चांस, हालांकि गुरु के घर में बैठे हैं, गुरु के घर में शनि कंफर्टेबल होते हैं लेकिन मैं एडवाइस नहीं दूंगा। आप चांस ले सकते हैं जरूर पहन के जी कि क्या रिजल्ट देता है, तो टेम्परेरी बेसिस पे पहन के देखिएगा। हालांकि मेरे हिसाब से नीलम यहाँ पे अच्छा नहीं रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि अगर शनि यहाँ पे तीसरे घर में बैठा है और नीलम पहन लेंगे तो हो सकता है आपके प्लैनेट, हो सकता है जी कि ये योग कारक प्लैनेट जरूर हो लेकिन आपके कन्वीनियंस में शनि बारहवें भोग के बैठा हुआ है। यहाँ पे देखें तो 10वां नंबर शनि का होता है, तो कन्वीनियंस का हाउस में शनि है और वो 12वें होके बैठे हैं, और यहाँ से देखा जाए तो 11वें होके बैठे हैं, लेकिन दोनों ही मारक बनते हैं। अगर यहाँ अगर देखा जाए तो 10 से पूरे पीछे जाके नवम घर में बैठे हैं तो यहाँ पे कन्वीनियंस में दिक्कत देंगे, डिले करेंगे चीज़ों को अगर नीलम आप पहनते हैं तो। दृष्टि भी इसकी शनि की 5वें घर में है तो दृष्टि भी यहाँ पे लक में भी थोड़ी सी दिक्कत देना शुरू कर सकते हैं शनि। तो अगर आप शनि का नीलम पहनना चाहते हैं तो देख समझ के पहनिएगा, स्ट्रगल बढ़ा सकता है शनि यहाँ पे। दूसरी चीज़ों में हो सकता है कि जीत मिल जाए, मतलब कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा हो तो उसमें आपको फ़ायदा मिले या स्ट्रगल का सक्सेस मिले, लेकिन स्ट्रगल बढ़ा देगा शनि यहाँ पे। तो मैं नीलम यहाँ आपको एडवाइज़ नहीं करूँगा, आई होप, क्योंकि यहाँ पे अपने घर से 10वां बैठा है और शनि यहाँ पे तीसरे घर में बैठा है, तीसरा घर अच्छा घर नहीं होता है, बार बार बोलूँगा, एक्सीडेंटल घर होता है, छोटी मोटी दिक्कतों का घर होता है, कंपटीशन का घर होता है। शनि यहाँ पे वैसे ही कंपटीशन में डिले दिलवाता है और अगर नीलम पहन ले तो शायद और डिले करवाए, तो इसमें रिजल्ट में हो सकता है फास्ट भी करवा दे लेकिन चांसेस उसके मेरे को कम दिखते हैं। तो शनि यहाँ पे, क्योंकि लगन के मित्र बुध के उतने अच्छे खास मित्र जो गुरु है नहीं, हालांकि गुरु यहाँ भाग्यस्थान में बैठे हैं जो कि अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन गुरु भाग्यस्थान में बुध के घर में बैठे हुए हैं तो बुध के साथ गुरु की उतनी अच्छी बनती नहीं। तो नीलम के बारे में रही ये बात। अब बात बनती है कि अगर आप आपने बोला कि बिजनेस से पैसे कमा सकता हूँ कि नहीं कमा सकता और आपकी युति बनी है मरकरी की सूर्य के और बुध मार्स की 12वें घर में, तो अगर देखा जाए तो छठे घर में 6 नंबर लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे मरकरी की सूर्य की और मार्स की युति बनी है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्स यहाँ पे 7वें घर का मालिक, बिजनेस का मालिक होकर छठे घर में जा चुका है, तो अगर यहाँ से अगर आप गिनती करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे घर में बैठा हुआ है मार्स। अगर बाहर अगर आप कोई अपना जाके प्रोफेशन शुरू करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि मैं यहाँ पे बिजनेस के लिए एडवाइस आपको उस चीज़ के लिए भी नहीं दूंगा खास अच्छा, क्योंकि अगर देखा जाए तो चौथे घर का मून कर्मेश का मालिक होके खुद ही कर्मेश के घर में बैठा हुआ है, तो अगर आप केतु के साथ जरूर बैठा है तो काम आप अकेले करेंगे, हो सकता है आपको अकेलापन फील हो, लेकिन मून चंद्रमा यहाँ पे मन में भी थोड़ा सा आपको हो सकता है कि परेशानी हो और क्या बोलते हैं राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो इस कारण मन थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री ना हो वर्क को लेके, लेकिन यहाँ पे मून यहाँ पे बैठा हुआ अपने बर्थ प्लेस से दूर आपको ग्रोथ जरूर दिलाएगा या आपको अच्छा बेनिफिट दिलाएगा वर्क के
थ्रू। बिजनेस साइड में अगर कोशिश करना चाहे तो अपने बर्थ प्लेस से दूर जरूर कर सकते हैं आप, कोशिश करिए, लेकिन अपने जॉब अगर आप काम किसी चीज में करें तो उसको मत छोड़िएगा। उसके साथ में अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मंगल यहाँ पे छठे का रिलेशन बनाता है। हालांकि बाहर मंगल और बुध के घर में बैठा है, बुध के घर में मंगल कुछ खास अच्छा होता नहीं है, अच्छा फल प्रोवाइड नहीं करता। और बुध को देखा जाए तो यहाँ पे भाग्य का मालिक है और देखा जाए तो वयस्क का मालिक है। तो भाग्य का मालिक तो अच्छा है, गुरु बैठा हुआ ये अच्छा है, लेकिन पॉइंट वो है जी कि खुद जाके विपरीत राजयोग बना रहा है। तो कोशिश जरूर करिएगा, लेकिन बर्थ प्लेस के बाहर अगर आप कर रहे हैं या अपनी जन्म स्थान से बाहर अगर आप बिजनेस करें तो सक्सेस मिलने के अच्छे चांसेस बन जाते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आयुष वयस्क में जाके बैठ गए हैं, तो इनकम से खर्चे से इनकम होगा, तो अगर आप खर्चा करेंगे तो ही इनकम होगा, तो वो भी बाहर जाके करेंगे। तो बाहर अगर आप बिजनेस करते हैं तो अच्छा है, लेकिन वो भी जितना अच्छा यहाँ मून बैठ के रिजल्ट देगा उतना अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दे सकता है, बाहर सडन गेन दे सकता है। लेकिन साइमल्टेनियसली जॉब के साथ अगर आप बिजनेस करें तो अच्छा रहेगा, एक चीज़ के ऊपर फोकस ना करें। जॉब अगर कर रहे हो तो उस पर ज़रूर फोकस कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होगा राहू की दृष्टि की वजह से और केतु के साथ बैठने की वजह से। लेकिन यहाँ पे जॉब में ज़्यादा जॉब में फिर भी बेनिफिट्स मिलता रहेगा लॉन्ग टर्म तक, लेकिन अगर बिजनेस करेंगे तो जॉब के साथ करें तो अच्छा रहेगा। एक बार चल जाए तो बात अलग है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि जरूर पड़ रही है यहाँ पे सीधा, और शुक्र यहाँ पे लग्नेश होके शुक्र बैठे हुए हैं, तो ज़रूर आपको अगर आप कन्वीनियंस या ब्यूटी रिलेटेड या कुछ अपने अपेयरेंस कुछ ऐसा काम करें जो कि ब्यूटी रिलेटेड हो या कंफर्ट रिलेटेड चीज़ें हों, तो उसमें ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। हाल होप करता हूँ आपको मेरे आपके सवालों का मैंने जवाब दिया है। शुक्र आपका यहाँ पे स्ट्रांग है, शुक्र का फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, लेकिन सब कुछ आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर करेंगे तो ही अच्छा मिलेगा। फॉरेन रिलेटेड अगर आप ग्रोथ लेना चाहते हैं तो ज़रूर अच्छा मिलेगा बिजनेस के थ्रू, बिजनेस का अगर आप फॉरेन से रिलेटेड या आपका कोई ट्रैवलिंग का बिजनेस हो, क्योंकि मून 10,000 में बैठा हो तो ट्रैवलिंग रिलेटेड बिजनेस भी अगर करते हैं तो अच्छा रहेगा। होप आपके सवालों का मैंने जवाब दिया है मिलन जी, धन्यवाद।